इससे पहले तीन वीडियो गुजर चुकी हैं जिसमें हमने ऑपरेशन में दाखिले का दिन, उसके बाद दूसरा हमने आपको बताया कि ऑपरेशन वाले दिन, उस बाद हमने आपको तीसरे दिन बताया कि डिस्चार्ज। अब चौथा सबसे अहम सवाल ये आता है कि लवाहिकीन की बड़ी जो है वो रिजर्वेशन होती है कि डॉक्टर साहब मरीज को क्या खिलाएं पिलाएं, और ये हर लवाहिकीन जो है मरीज के अगर 10 लोग हैं तो 10 के 10 जो है वो 10 मरतबा आके डॉक्टर से पूछें, और फिर जब वो एक दो को बताने के बाद डॉक्टर तीसरे को नहीं बताएगा तो वो कहते हैं डॉक्टर साहब आप देखें ना आप हमें बता नहीं रहे। तो इस वीडियो का मकसद भी यही है, ये सिर्फ आपको एजुकेशन पर्पज़ के लिए बताया जा रही है, जो जनरल इंस्ट्रक्शन है हड्डी वार्ड कमीशन के लिए कि उनको क्या खाने पीने के लिए देनी चाहिए। इस सारी वीडियो को मैं सिर्फ जो है ना वो एक लाइन फिक्रे में जो है उसको मैं एंड पे आपको जो है वो एक फिक्रा बोलूंगा जिसमें आपको पता चल जाएगा क्या क्या चीज़ खिलाई जा सकती है क्या नहीं खिलाई पिलाई जा सकती। सबसे पहले तो जो है वो आपको मैंने बता दिया कि ऑपरेशन के दिन से जो है ना आपने 6 घंटे बाद पानी और सब्ज़ चाय और नरम गज़ा, उसके बाद आप जो है खाने पीने के लिए चीज़ दे सकते हैं। जो जनरल खाने पीने के लिए आप मरीज़ को जो है वो अंडे का इस्तेमाल करवाएं, 2 से 3 अंडे इस्तेमाल करें। अगर मरीज को ब्लड प्रेशर का मसला नहीं है तो जर्दी भी दें 1 से 2 अंडे की, अगर ब्लड प्रेशर का मसला है तो जर्दी निकाल। आप मरीज को जो है खजूरें दें, आप मरीज को दूध का इस्तेमाल करवाएं, इसमें जो बकरी और गाय का दूध है सबसे ज़्यादा मुफीद है, ठीक है। आप उसमें अगर दर्द है तो थोड़ी हल्दी डाल सकते हैं, ठीक है। अगर ब्लड प्रेशर का मसला है तो आप उसमें थोड़ा अदरक डाल लें, लहसुन डाल लें, आप दूध उसको पिलाएं। ये एक मिथ बनी हुई है कि दूध पिलाने से रेशा होता है, दूध में कैल्शियम होता है जो कि हड्डियों के लिए बहुत मुफीद है, ठीक है, ये आप खिलाएं। सूरजमुखी का जो तेल है, सूरजमुखी के जो बीज हैं वो आप खिला सकते हैं, अखरोट खिला सकते हैं आप। इसके अलावा गोश्त, गोश्त किसी भी किस्म का हो, छोटा गोश्त हो सकता है, बड़ा गोश्त हो सकता है, मुर्गी देसी मुर्गी का गोश्त हो सकता है, अंडे देसी अंडे हो सकते हैं, फार्मी अंडे हो सकते हैं, यखनी आप मरीज को खिला सकते हैं, ठीक है। अगर आपके मरीज को शुगर है तो आप करेले का जूस बना के मरीज को पिलाएं, पपीता जो है खिलाएं मरीज को। जब मरीज को शुगर होती है तो मरीज कोई शुगर वाले मरीज का जख्म नहीं पड़ता, आपने शुगर कंट्रोल रखनी है, उसमें रेशा पड़ सकता है, ठीक है। उसके लिए आपने मरीज को फल जो है वो थोड़ा कम करते हैं उसका, अगर फल खिलाना भी तो शुगर का बड़ा स्ट्रिक्ट कंट्रोल रखें, शुगर कितनी कंट्रोल होनी चाहिए। एक मरीज है जिसको शुगर का मसला है उसको 125 तक जो है उसकी शुगर रखें, बाकी शुगर कितनी होनी चाहिए आपको जो शुगर क्लिनिक वाले डॉक्टर डायबिटिक क्लिनिक वाले डॉक्टर होते हैं ये बेहतर बता सकते हैं। लेकिन शुगर मरीज के जख्म को इन्फेक्ट करने में उसका बड़ा अहम किरदार है। मरीज को चाय आप बिल्कुल पिला सकते हैं, कोई मना नहीं है। मैं छोटे से फिक्रे के साथ इस आपके तमाम सवाल का जवाब देता हूँ। अक्सर औकात मरीज जब आते हैं तो उनको जब ये मैं फिक्रा बोलता हूँ तो वो हंसते हैं कि डॉक्टर साहब शायद मजाक कर रहे हैं, लेकिन ये मजाक नहीं है, ये बिल्कुल एक हकीकत है। आप मरीज को हर वो चीज़ जो अल्लाह पाक की ज़ात ने हलाल करा दी है हड्डी वाले मरीज को खिला सकते हैं। हाँ, कुछ चीज़ें ज़्यादा खिलानी होती हैं, जो चीज़ें ज़्यादा खिलानी हैं उसमें दूध, अंडा, गोश्त, यखनी, इस तरह की चीज़ें जो आपने ज़्यादा खिलानी है, लोबिया जब ज़्यादा खिलाएंगे, ये प्रोटीन डाइट है, जब प्रोटीन डाइट ज़्यादा देंगे, कैल्शियम और प्रोटीन डाइट आपने मरीज को ज़्यादा देंगी, जब ज़्यादा देंगे तो उसकी हड्डियाँ जल्दी जुड़ेंगी, उसमें ताकत आएगी, पट्ठों में ताकत आएगी। उसके अलावा इन सारी खुराक से कुछ वर्जिशें होती हैं, आपने वर्जिशें करनी है। इंशाल्लाह हम ये वर्जिशों पे भी वीडियो बनाएंगे कि वर्जिशें कौन सी ऑपरेशन में कौन सी वर्जिश करनी चाहिए, इंशाल्लाह ये वीडियो भी हम जल्द ही जो है वो बनाकर लेके आएंगे, ताकि हमारे उम्मीद है कि आपको जो है वो तमाम किस्म के सवालों के इसमें जवाब मिल चुके होंगे। हाँ, कुछ स्पेसिफिक बीमारियाँ होती हैं, मरीज को शुगर का मसला है तो आपने शुगर की कुछ स्पेसिफिक चीज़ें होती हैं बंद करवा देनी होती हैं, मीठी चीज़ें नहीं देनी, उसमें आपने ज़्यादा फल नहीं देना, मखसूस चीज़ें देनी होती हैं एक हाँ, और हार्ट आपने शुगर चेक करनी है बाकायदगी से, शुगर जब बढ़ रही है तो क्या करना है, आपने डॉक्टर से रब्ता करना है, इंसुलिन पे शिफ्ट होना है, गोलियां जो आप ले रहे हैं उसकी मकदार को बढ़ाना है, कम करना है। इस तरह जब ब्लड प्रेशर का मरीज़ आता है तो आपने उसको जो है अदरक दे सकते हैं, लहसुन दे सकते हैं, ठीक है। और मरीज़ को दर्दें ज़्यादा होती हैं तो आप हल्दी का इस्तेमाल करवा सकते हैं, जैतून का तेल का इस्तेमाल ज़्यादा करवा सकते हैं। ब्लड प्रेशर के मरीज़ को आपने नमक कम कर देना है, घी का इस्तेमाल कम कर देना है, ऑयल जो है उसको इस्तेमाल करवाएँ, ठीक है। सुबह उठ के मरीज़ थोड़ा सा जो है अर्ली इन द मॉर्निंग थोड़ी सी वॉक करे, और स्ट्रेस परेशानी ना हो, आप जब भी जाएँ तो मरीज़ को परेशानी ना दें, मरीज़ को खुश रखने की कोशिश करें, ठीक है। जब मरीज़ परेशान होगा तो ज़ख्म भी ख़राब होगा, उस पर शुगर ही बढ़ेगी, ब्लड प्रेशर ही बढ़ेगा और मसाइल होंगे, मरीज़ को खुश रखें। उम्मीद है कि खुराक के लिहाज से भी आपको तमाम किस्म के सवाल का जो है वो जवाब मिल चुका होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है वो इंशाल्लाह पट्टी करने के तरीक़ाकार, पट्टी कैसे करनी है, कब करनी है, किस चीज़ से करनी है, इसके बारे में हम